हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मृत्युंजय भारत में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो सी प्रोग्राम का है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर। हमको सी प्रोग्राम में एक क्वेश्चन है करना है जो दो नंबर के बीच कंपेयर करके ये बताए कि कौन बड़ा है। आइए हम देखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम कमेंट करते हैं। कमेंट करने से पता चलता है कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का बन रहा है, किस पर आधारित है। आइए सबसे पहले कमेंट करते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर। हमको दो नंबर में बड़ा नंबर कौन है ये पता करने का प्रोग्राम बनाना। तो आइए हेड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल देते हैं सबसे पहले। इंक्लूड स्टूडियो .h, उसके बाद मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इंटीजर लेते हैं, x और y ले लेते हैं इंटीजर में। उसके बाद हम एक मैसेज देते हैं, मैसेज प्रिंट करने के लिए देते हैं कि प्रिंट इंटर टू नंबर। ये मैसेज इसलिए दिए कि हमें कीबोर्ड से दो नंबर लेना है, इसी कारण हम ये मैसेज दिए हैं। तो और इस मैसेज को हम स्कैनएफ करके स्टोर कर लेते हैं। परसेंट डी %x and %y, मतलब एक नंबर को x में स्टोर कर लिए और एक नंबर को y में स्टोर कर लिए, क्योंकि हम दो नंबर कीबोर्ड से लिए हैं, इसलिए एक का x में और एक को y में। अब यहाँ से हम कंडीशन देते हैं, यदि x इज ग्रेटर देन y, मतलब x अगर y से बड़ा होगा तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर देगा, प्रिंट करेगा ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू %b, किसको, x को प्रिंट करेगा। और अगर ये अगर नहीं हुआ, फॉल्स कर गया, तो इल्स पार्ट में इसका आंसर देगा, एल्स प्रिंट ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू %d इसको y। मेरा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। अब इसका हम ड्राई रन भी कर सकते हैं, तो आइए ड्राई रन देखते हैं। ड्राई रन हम इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर में हम x एंड y लिए दोस्तों, और यहाँ से इंटर टू नंबर, मतलब कीबोर्ड से हमको दो नंबर लेना है। तो कीबोर्ड से जब हम प्रेस किए, 5 प्रेस किए और 6 प्रेस किए और इसको स्कैनअप करके x और y में
एक्स और वाई में स्टोर कर लिए, क्योंकि सबसे पहले हम पहला वैल्यू एक्स का हुआ तो फाइव में स्टोर किए, फिर वाई में स्टोर हो गया। अब कंडीशन मेरा ये है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो हमको मेरा ग्रेटर नंबर हो जाएगा एक्स, और अगर गलत नहीं है तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा वाई। तो अभी तो मेरा ग्रेटर ये कंडीशन तो ट्रू नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, तो मेरा ग्रेटर अभी तो सिक्स है, इसलिए ये फॉल्स कर गया और मेरा इस पार्ट में आ गया, तो ग्रेटर नंबर इज वाई प्रिंट है। यानी कि जब ये कंडीशन यहाँ से हम यहाँ लगाएंगे तो मेरा ये फॉल्स कर जाएगा और ये इल्स पार्ट में आके इसका आंसर देगा, यानी कि मेरा वाई हो जाएगा, यहाँ प्रिंट करेगा कि वाई ग्रेटर नंबर इज सिक्स। तो आइए इसका हम कोडिंग कंप्यूटर पर भी देख लेते हैं, कोड ब्लॉक पर, कि ये प्रोग्राम हमने सही बनाया है कि गलत बनाया है। आइए दोस्तों देखते हैं।